तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम एक सुंदर सा और बहुत ही सिंपल सा फ्रिल डिज़ाइन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर जो एक दो पट्टियां ली हैं, वो मैं उसकी आपको लंबाई चौड़ाई बता देता हूं। उसकी जो हमने चौड़ाई ली है दोस्तों, वो ली है 2 इंच, और नीचे वाली की यहाँ पर ली है 2.5 इंच। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाना होगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार नाखून मार लेंगे। इस पे चाहे तो आप प्रेस से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रेस से अच्छी तरीके से सेट कर लाता हूँ पहले। अब हमने यहाँ पर प्रेस से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद में हमारा जो ग्रीन वाला कपड़ा है ना, इस कपड़े को इस तरीके से जैसे पाइपिंग लगाते हैं ना, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाना है हमें जड़ में पाइपिंग की। दोस्तों, हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में इस पे हम कर लेते हैं प्रेस। जो भी झोल है वो इस पे प्रेस से निकल जाएगी। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद में इसको बिल्कुल फिनिशिंग इसमें आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में हम यहाँ पर प्लेटें डालना शुरू करेंगे। इसके अंदर जो दबाव लेना है वो 1/2 इंच का लेना है, और 1/2 इंच से थोड़ा बढ़ती हमें दूर प्लेट डालना होगी। इस प्रकार प्लेट को बिल्कुल सीधा करके डालेंगे, जिससे टेढ़ी ना हो प्लेट और इसका साइज बिल्कुल एक सा आए। तो हमने यहाँ पर फ्रिल अपनी बना ली है। अब हमें यहाँ पर इसे अपनी आस्तीन में ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ पर फ्रिल बना ली है। फ्रिल बनाने के बाद में अब हमें इस तरीके से रखना है अपनी बाजू में। आप इसे फुल बाजू में, हाफ बाजू में या पौन बाजू में बहुत आराम से लगाइए। बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइन आने वाला है। एक सिलाई लगा दी, उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाना है इसके ऊपर पैर की। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है कपड़ा, इसको कटिंग करेंगे। इधर वाली साइड का भी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी किसी भी आस्तीन में, अपनी जैसे ये हाफ आस्तीन है, अपने ब्लाउज में, कुर्ती में, गाउन में, ड्रेस में, किसी में भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रिल
फुल बाजू भी बना सकते हैं, पौन बाजू भी बना सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो या डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।